तो दोस्तों आज मेरा बर्थडे है और हम बर्थडे में जा रहे हैं बिरला म्यूजियम। तो आज मैं वहीं पर जाके ब्लॉग बनाने वाला हूँ। तो वेलकम है सबका मेरे चैनल पे शशि द एंटरटेनर, एंटरटेनमेंट का खजाना। तो आज हम लोग करेंगे वहाँ जाके बहुत सारी मस्तियाँ, मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मेरी गाड़ी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। तो चलिए उसके पहले लेकिन वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी ब्लॉग्स या अलग अलग तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए हेलो गाइस, तो जैसे कि मैंने कहा तो मैं पहुंच चुका हूं यहां पर बिरला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी म्यूजियम, जो कि बिरला म्यूजियम है। यहां से आपकी एंट्री होगी, ये है गुरु सदर रोड में, जो कि आपको बालीगंज सर्कुलर रोड से राइट साइड में आपको मिल जाएगा। गुरु सदर रोड मिडिल ऑफ द कलकत्ता में है, आपको अच्छी से लोकेशन सब कुछ मिल जाएगा। राइट साइड में आपको मिल जाएगा यहाँ पर टिकट काउंटर और यहाँ से अब हम लोग करेंगे एंट्री। अब जैसे ही एंट्री करते हम लोग एंट्री करते ना करते आपको बायां साइड में मिलेगा सिक्योरिटी एंड सिविलाइजेशन, यहाँ पर आपको एक्वेरियम लाइफ मिलेगा। और यहाँ है देखिए, ये सबसे बढ़िया चीज है ये वाला। और यहाँ पर और एक है जो कि जिसको है रोड रोलर, सबसे पहले इस टाइप का ही आता था तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। और ये पूरा इसका एंट्रेंस है, आप देख पा रहे हैं। पार्किंग आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी जहाँ मेरी कार खड़ी हुई है, पार्किंग आपको इस साइड में और ये साइड में पार्किंग है। और इसका टिकट भी यहाँ पर मिलेगा आपको। देखिए यहाँ का ये टाइमिंग दिया हुआ है, आपको म्यूजियम का आवर दिखा हुआ है 9:30 to 6 PM मिलेगा आपको ऑल डेज इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे, और सिर्फ एक्सेप्ट होली और दिवाली में बंद रहता है। एंट्री म्यूजियम का लिखा हुआ है 55 rupees की जनरल एंट्री है, और बाकी में आपका सब कुछ यहाँ पर टोटल डिटेल्स दिया हुआ है। शाइन्स का शोज कितने बजे से है वो दिया हुआ है आपको। एवरी पैकेज यहाँ पर मिल जाएगा, पैकेज के रूल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं और सारी फैसिलिटीज भी है। बाकी फैसिलिटीज मैं आपको अंदर में जाके दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस इतना बड़ा नलका। गाइस यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ, पानी चक्कर। पानी चक्कर कैसे होता है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है व्हील टू ऑपरेट, आपको यहाँ पर ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ऑपरेट हम लोग कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ध्यान से देखिएगा ऑपरेट कैसे हो रहा है। ये ऑपरेट मैंने किया तो यहाँ पर देखिएगा पूरा घूमेगा। ये देखिए ये चक्री घूम रही है, ये चीज बहुत ही फैंटास्टिक है। आप देखिए ये मैंने हाथ रोक दिया, ये बंद हो गया। ये सब कमाल साइंस का है, आप देखिए कितना सुंदर से ये काम करता है। इट्स वर्क लाइक ब्यूटीफुल, ये देखिए वाव यार। जैसे कि देखिए ये वाला मैं आपको दिखाऊंगा, ये है इवैल्यूएशन ऑफ विंड टर्बाइन। जब ये वाला घूम रहा है तब वो वाली लाइट जल रही है, आप गौर से देखिएगा। और जब ये बंद हो जाएगा वो वाला पीछे वाला विंड माइल चलेगा, तो देखिए वो वाला लाइट, वो घर की लाइट चालू हो गई। अगर मैं बोलूं यहाँ पर सच में बहुत कुछ सीखने लायक चीजें हैं, जैसे कि आप कार 1 to Z आप सीख सकते हो। मैं अभी मोटिव के अंदर में हूँ, मोटिव पावर के अंदर में हूँ बिरला म्यूजियम के। यहाँ पर आप गाड़ी के बारे में हर चीज जान सकते हैं कि गाड़ी में क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे करके गाड़ी तैयार होती है, यू कैन लर्न ऑल्सो। बहुत ही बढ़िया चीज दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर आपको गाड़ी का पूरा नॉलेज दिया हुआ, देखिए इंजन क्या है, इनटेक एयरलाइन क्या है। दिस इज फैंटास्टिक यार, मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छा म्यूजियम बनाया है ये वाला, जहाँ पर आप आके कुछ सीख भी सकते हैं, आप खुद से टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं। ये देखिए टेस्ट ड्राइव के लिए भी यहाँ पर गाड़ी दी गई है, वी कैन टेक अ टेस्ट ड्राइव। यहाँ पर गियर सिस्टम का ये भी दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया बनाया है। इससे पावर ट्रांसमिशन कैसे होते हैं ये पूरा दिया हुआ है। आप यहाँ पर मशीन्स है पेटर, ये पीटर वायल का मशीन्स है, कैसे होता है इंजन क्लासिफिकेशन कैसे काम करते हैं, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। इंटरनल कॉम्बिनेशंस इंजन एवरीवेयर है यहाँ पर मिलेंगे आपको। इधर में आपको न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होता है वो मिलेगा। बहुत ही बढ़िया ये बनाया है। 2-stroke and 4-stroke इंजन कैसे होते हैं, क्या डिफरेंस है 2-stroke and 4-stroke इंजन में, ये देखिए।
एडवेंट ऑफ आइस इंजन, ये आइस इंजन का है और ये टू व्हीलर्स का दिखा रहा है। ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन कैसे होते हैं वो दिखाया है। अंडर वाटर, ये देखिए अंडर वाटर में कैसे करके काम करता है ये दिखाया है। एंड शिप एंड वेसल्स कैसे रहते हैं, ये देखिए तरह तरह के शिप्स आपको देखने मिल रहे हैं यहाँ पर। वैसे ये देखिए शिप्स, ये मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट है कि किस तरह से मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। आइए आपको क्लोज से दिखाते हैं। ये देखिए बारीकी से आपको एक एक चीज आपको देखने मिलेगा। जितनी बारीकी से मैं दिखाता हूँ आपको ब्लॉग्स में, वो आपको कोई नहीं दिखाएगा। दिस इज फैंटास्टिक यार, और मैं भी बोलूंगा बहुत इजी है आना यहाँ पर। बहुत कुछ देखने लायक है, बहुत कुछ सीखने लायक आपको मिलेगा यहाँ पर बिरला म्यूजियम में। अभी तो बहुत कुछ दिखाने लायक है, 3D शो है, कोल माइन है, अभी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं जो कि मैं आपको आस्ते आस्ते करके दिखाता रहूंगा। तो एंजॉय करते रहिए मेरे इस ब्लॉग को। लास्ट नॉट लीस्ट, अब देखिए मैं आपको आता हूँ एयर ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो यहाँ पर आपको एयर ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा। ये देखिए ये एक फ्लाइंग ग्लाइडर है, आपको पता ही है ये राइडर्स ब्रदर्स ने जैसे जब शुरुआत की थी, ये तो हम सभी को पता है, हमने सभी ने पढ़ा है। ये देखिए ये एयर फ्रांस का है, किस तरह से पहले ऊपर की जो ग्लास था वो किस टाइप का एक ग्लास था। ये देखिए सबसे बड़ा ये वाला है GBOAC, फैंटास्टिक है ये वाला।
दिशा चली झूले में, दिशा चली झूले में, झूला नहीं शुरू हुआ है, जल्दी से शुरू कर लो, मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी से तुम कर लो। वाह वाह, अब हम आ चुके हैं म्यूजियम के एंड में। मैंने पूरा म्यूजियम आपको घुमा दिया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ये पूरा म्यूजियम वाला ब्लॉग। बहुत कुछ देखने मिला, बहुत कुछ जानने मिला। अब हम मिलेंगे आपको फिर से कोई और दूसरी वीडियो पे, दूसरी जगह। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी ब्लॉग्स आपके पास आते रहें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।